बिहार चुनाव से पहले बिहार में कोरोना की आंधी आने की आशंका है, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है WHO और बिहार के स्वास्थ्य विभाग का। बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने धीरे धीरे बिहार में लॉकडाउन में राहत दी है, लोगों को आने जाने की छूट दी गई है। वहीं बिहार चुनाव के लिए अब 100 लोगों की संख्या वाली रैलियां, जनसभा, नुक्कड़ सभाएं शुरू हो जाएंगी। इन सभी के मद्देनजर WHO ने बिहार में अगले 15 दिन में फिर से कोरोना की आंधी आने की आशंका जता दी है। WHO की आशंका के पीछे त्योहारों की सीजन भी बड़ी वजह है। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ने से कोरोना के फैलने की आशंका है। बिहार को लेकर जारी हुए WHO की गाइडलाइन से बिहार के CM नीतीश कुमार और PM मोदी भी चिंतित हैं। आज बिहार के हजारों करोड़ों की सौगात देते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर बिहारी को कोरोना संक्रमण से बचाव का संकल्प भूलना नहीं है। PM ने साथ ही याद दिलाया कि वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे हैं। साथियों, कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच बिहार के विकास, बिहार में सुशासन का यह अभियान निरंतर चलने वाला है। हम पूरी ताकत, पूरे सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर बिहारवासी, हर देशवासी को संक्रमण से बचाव का संकल्प पल भर भी कभी भी भूलना नहीं है। मास्क, साफ सफाई और 2 गज की दूरी, ये हमारे बचाव के सबसे कारगर हथियार है। हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हैं, लेकिन हमें याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से लड़ने के सरकार के दावों के बावजूद बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 1,58,000 तक पहुंच चुका है, जिनमें से 1,43,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही राज्य में अब तक 822 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन डॉक्टरों व पारा मेडिकल स्टाफ को अवकाश चाहिए वो इस बीच ले लें, 15 दिन बाद विभाग किसी को अवकाश देने की स्थिति में नहीं रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन राज्यों को आगाह किया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले आने कम हो गए हैं। संगठन के अनुसार वहां संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है, इस लहर के पहले से ज्यादा तेज होने की आशंका है। दिल्ली में दूसरी लहर के साथ रिकॉर्ड संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।